तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से चावल का पापड़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान में घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं और घर आए मेहमान को खिला सकते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट हमारा चावल का पापड़ बना हुआ है, तो उंगली रखने पे आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, आप सब पास से देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है, इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली आने वाली है, तो इस होली के अवसर पर हम एक अच्छा सा रेसिपी बनाएंगे और वीडियो हमारे पर लास्ट देते हैं। वीडियो चले दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो चले चलते हैं। यहाँ आप सब देख सकते हैं कि यहाँ जो है पुदीना का हरा भरा पत्ता है, पत्ते को हम थोड़ा सा लेंगे और गर्मियों के मौसम में पुदीना बहुत ही ज़रूरी होता है और पुदीने को आप सब बहुत ही आसानी से घर पे उगा सकते हैं। एक पेड़ लगाएंगे तो 1000 पेड़ हो पौधे हो जाते हैं छोटे छोटे। इसी तरह हमें जितना हो सकता है उतना हम पत्तियों को फोटेंगे। तो पुदीने के पत्ते को हमने ले लिया, इसे हम साफ पानी से धुल लेंगे ताकि जो धूल मिट्टी बैठी हुई है साफ़ हो जाए। तो पुदीने के पत्ते को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, तो अब हम आग को जला लेंगे। तो आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें, हम बनाएंगे कि आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे से पापड़, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो आज हम जो विधि बताएंगे बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे चावल के आटे से पापड़ बनाना। तो चावल के आटे से पापड़ बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम चावल का आटा लिया हुआ है, जिसे हमने छन्नी से छानकर साफ कर लिया है और लाल मिर्ची को हमने पाउडर बना लिया है और यहाँ पर हमने सफ़ेद नमक और काली मिर्च को एक में पीस लिया है और धनिया की हरी पत्ती को हमने बारीक काटा हुआ है, पुदीने की हरी पत्ती को बारीक काटा हुआ है। तो अब हम भगोने में डाल देंगे पानी। तो भगोने के ऊपर हम एक कपड़ा फैला देंगे। तो कपड़े को हमने फैला दिया है, अब इसे हम धागे से बहुत ही टाइट इसे बांधेंगे ताकि जो कपड़ा है बिल्कुल टाइट रहे। तो चलिए इसे हम सूती धागे से बांध लेते हैं। आप कोई भी धागा ले सकते हैं और सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साड़ी का जो है कपड़ा लिया हुआ है पापड़ बनाने के लिए। तो गांव में हम लोग इसी तरीके से जो है पापड़ बनाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि जो बचा कपड़ा था इसे हमने चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दिया है ताकि कपड़ा जले ना। आग पे हम जब रखें तो भगोने को हम रख देंगे अब चूल्हे पर, पानी में हम उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे हमने एक थाली लिया हुआ है और यहाँ पे हमने साड़ी का जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था वो लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चावल के आटे को बारीक कपड़े से छानेंगे। जो चावल का आटा होता है पापड़ बनाने के लिए वो दर्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं पापड़ हमारा फट जाएगा। तो इसे हम कपड़े पे रख के अच्छे से इसे हम छान लेंगे ताकि कुरकुरापन बिल्कुल न रहे और पापड़ हमारा बहुत ही अच्छे से बने। तो अब हम आटे को इस तरह से हाथों से दबा दबा कर और बिल्कुल बारीक आटा निकालेंगे पापड़ बनाने के लिए। तो इसी तरह आटे को हमें जितना आवश्यकता है उतना हम छान लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं नीचे बहुत ही अच्छे से आटा जो है गिर रहा है बारीक वाला। आटे में हम पानी डालकर इसे हम घोल तैयार करेंगे पापड़ बनाने के लिए। तो पानी हम जो है पतला बेटर हमें बनाना है पापड़ बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल न रहे और बहुत ही अच्छे से पापड़ हमारा बनकर तैयार हो। तो आटे को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, इसमें गुठली बिल्कुल नहीं है, आप सब देख सकते हैं। तो हमने बिल्कुल पतला घोल बनाया हुआ है पापड़ बनाने के लिए, आप सब देख सकते हैं पास से। ज़्यादा पतला नहीं है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा जो है बेटर तैयार करना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पुदीने की पत्ती और धनिया की पत्ती, और पुदीना की पत्ती हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे पापड़ का। तो अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च और नमक, तो 1 चम्मच हमने इसे भी डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे मिर्चा पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि पापड़ हमारा बहुत ही अच्छा दिखेगा जब बनेगा। तो इधर हमने एक प्लास्टिक का पन्नी बिछाया हुआ है पापड़ को रखने के लिए। तो बेटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेट लिया हुआ है, प्लेट में हमने हल्का सा रिफाइन ऑयल लगाया हुआ है ताकि पापड़ को हम अच्छे से छुड़ा सकें। तो थोड़ा सा बेटर हम प्लेट में डालकर इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तो अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो इधर पानी में हमारे उबाल आ गया है, अब हम ढक्कन को हटाएंगे और प्लेट को हम बीच में रखेंगे, बीचों बीच रखेंगे ताकि पापड़ हमारा एक जैसा बने। तो पापड़ को हमने भाप में पकने के लिए रख दिया है, तो इसे हम 40 सेकंड तक भाप से पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लेट लिया हुआ है, इसमें हमने रिफाइन ऑयल लगाया हुआ है। तो छोटा बड़ा पापड़ हम दोनों तरीके से बनाएंगे।
तो ऐसा बर्तन तो सबके सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो इसे भी हम फैला लेंगे। तो अब हम प्लेट को हटाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि पापड़ हमारा बहुत ही अच्छे से हो गया है, और नीचे रख देंगे। तो अब हम छोटा वाला प्लेट रखेंगे, तो इसे भी हम ढक के पका लेंगे। तो पापड़ को हम 20 सेकंड तक छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाएगा, तभी जो है चावल का पापड़ बहुत ही अच्छे से छूटकर तैयार होगा। तो अब हम पापड़ को छुड़ाएंगे, तो चाकू के सहारे हम किनारे किनारे सबसे पहले छुड़ा लेंगे, हाथों से पापड़ को प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। कितना अच्छा हमारा चावल का पापड़ बन रहा है। तो अब इसे हम धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से चावल का पापड़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान में घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं और घर आए मेहमान को खिला सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे पापड़ को बनाकर तैयार करेंगे। तो छोटा वाला पापड़ हमारा हो गया है, इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसी तरह हमें सारा पापड़ बना लेना है। तो ये भी पापड़ हमारा ठंडा हो गया, इसे हम बाहर निकालेंगे प्लेट से। तो चाकू से हम किनारे किनारे सबसे पहले छुड़ा लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से पापड़ हमारे छूट रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा पापड़ हमारे चावल के सूख रहे हैं। तो काफी ट्रांसपेरेंट हमारा चावल का पापड़ बन रहा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। तो सूखने के बाद काफी अच्छा लगेगा। इधर हम छुड़ा कर इसे भी डालेंगे। तो काफी पतले पतले पापड़ हमने बनाए हुए हैं। तो सभी पापड़ को हमने बना लिया है, लास्ट वाला है, तो इसे भी हम बना लेंगे। तो इसे भी हम पका लेंगे। तो 2-3 घंटे तक इसे कड़ी धूप में रखेंगे ताकि यह सूख के पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद हम छान कर आप सबको दिखाएंगे। तो मिलते हैं 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बीत गए हैं और पापड़ हमारा सूखा पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो आप सब देख सकते हैं पास से कितना ट्रांसपेरेंट हमारा चावल का पापड़ बना हुआ है। तो अंगुली रखने पे आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, आप सब पास से देख लीजिए। तो अब हम पापड़ को एक बर्तन में उठा लेंगे। कुछ पापड़ को हम तेल में फ्राई करके आप सबको दिखाएंगे कितना अच्छा हमारा चावल का पापड़ बना हुआ है। तो आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर और कढ़ाई में डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम पापड़ को तेल में डालकर छानेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि पापड़ हमारा बहुत ही अच्छे से तेल में फ्राई हो रहा है। तो इसी तरह हम और पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो काफी बड़े बड़े और काफी नरम हमारे पापड़ बनकर तैयार हो रहे हैं चावल के आटे का। तो इसी तरह हम और पापड़ फ्राई कर लेंगे। पापड़ को हमने फ्राई कर लिया है जितना हमें आवश्यकता है। तो आप सब देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर हमारे चावल के पापड़ जो है फ्राई हो रहे हैं। चावल के आटे का पापड़ हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी होली।